सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान बिहार के बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर और मधेपुरा में बाढ़ की स्थिति का सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई संरक्षण कर वापस लौटने के पश्चात सीएम नीतीश ने संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए नीतीश कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गया नगर निगम के वार्ड संख्या 29 के कई मोहल्लों के रोड, गली और नली पक्कीकरण किया जाएगा। इसी के तहत डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने वार्ड के कई मोहल्लों का जायजा लिया। इनके साथ निगम के कनीय अभियंता पार्षद राकेश कुमार मौजूद थे। उस दौरान डिप्टी मेयर ने कलेर के एकता कॉलोनी के रोड नंबर 5 सियाड़ी सहित अन्य मोहल्लों की कच्ची सड़कों को पक्कीकरण हेतु मापी कराई। मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि हर वार्डों के लिए कच्ची सड़कों को पक्कीकरण किया जाएगा, जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भी पूर्व से निर्णय लिया गया है। लगभग सभी वार्ड में रोड, गली और नली के लिए करीब 10 से 30 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। आज कई मोहल्लों का नाली और सड़कों के लिए मापी की जा रही है। अलग से 50 से अधिक राशि से रोड, गली, नली का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र को पूरी शहरीकरण में विकसित किया जा सके। अभी हम लोग यहाँ पे, ये वार्ड नंबर 29 है और गांव का नाम है कलेर डी। ये मेडिकल कॉलेज के पीछे में सुदूर गांव है और आज़ादी के बाद से यहाँ पर दलित, महादलित जो रह रहे हैं, इसको देखने के लिए बहुत कम लोग आ पाए। यही कारण है कि पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो पानी का कोई व्यवस्था नहीं था और कहीं पर कोई उपयुक्त सुविधा नहीं थी। रोड, नाली, गली तो बिल्कुल ही नहीं था, सब मिट्टी। तो बहुत कुछ नगर निगम से यहाँ पर बनाया गया, उसको देखने भी आए हैं किस तरह से बना है और कितना उपयोगी है। बिहार सरकार के खान भूतत्व मंत्री जनक राम ने आज पटना के पत्रकारों से बात करते हुए बताया, हाल फिलहाल में बालू के अवैध खनन और कालाबाजारी पर सरकार रोक लगाने के लिए विभाग से लेकर सरकार के कई बड़े अधिकारियों तक पर कार्रवाई की है। लोगों को सस्ते दर पर बालू मुहैया हो सके और अवैध खनन पर रोक लगे, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की यह कार्रवाई है। जनक राम ने कहा, इस कार्रवाई के तहत वैसे तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई है जो कि घटना के दोषी है। कि हर प्रकार के खनिज पदार्थ पाया जाता हो, लेकिन ये भारत ऐसे खनिज संपदा से इतना अपार भंडार है, लेकिन ये भंडार कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को ध्यान में केंद्रित न करके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए नौजवानों को एक बेरोजगारी का एक अंबार खड़ा किया है, जिसको इसी देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोच पैदा किया कि आत्मनिर्भर भारत, हम नौकरी लेंगे ही नहीं, नौकरी देने की परंपरा उन्होंने कायम किया। जैसे आपके बीच में ये सामने बातें आई, सॉफ्टवेयर आया है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके हम नौजवानों को रोजगार कैसे सुलभ कर सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों ने मिलकर के एक छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने देखा होगा कि महिला उद्यमी योजना, ये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 10-10 लाख रुपया दे करके 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 5 लाख रुपया 5 साल। रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के केराब पंचायत के अंतर्गत लभरी ईट भट्टा के पास बगीचे में सब्जी तोड़ने के क्रम में बिजली की चपेट में आने से 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। वह वृद्ध की पहचान तेलठुआ गांव निवासी नवाद पासवान उर्फ जगवास के रूप में की गई। मृतक के लड़के ने बताया कि लभरी ईट भट्टा के समीप बगीचे में सब्जी तोड़ने के क्रम में बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस मौत की खबर सुनते ही गाँव में मातम पसरा हुआ है। करंट हुआ, बाबू जी गए हुए थे काम करने बगीचा में, तो बगीचे में क्या काम करते हैं, वहाँ काम करो देखे मालिक तो देख रहे हैं कि करंट से सट के बार में क्या करते थे, वहाँ सब्जी उब्जी अपना खेती बाड़ी करते थे। कहाँ पर करंट लगा था? बगीचा में लगा था, मुखिया जी का बगीचा में लगा था। खेत में लगा था? हाँ बगीचे हैं खेत में। हाँ एफ आई आर भी किए हैं आप लोग? हाँ एफ आई आर तो अभी किए हैं, अभी थाना से आवेदन दर्ज हुआ। किन के ऊपर? अभी तो आवेदन डाले हैं, तो अभी तो ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अभी तो अभी ना डाले हैं आवेदन। क्या नाम था उनको? इनको मुखिया जी से बोलते हैं। इनको क्या नाम था? इनको जागमत पासवान नाम। पिता का नाम?
पिता का नाम जामुन पासवान मेरा। इनका पिता का नाम था जामुन पासवान। स्वर्गीय जामुन पासवान कहाँ के रहने वाले, कौन गांव? तेलथुआ। थाना है? थाना। आपका नाम? समस्या पासवान।